तो भाई सबको अपनी नमस्ते सस्काल और सलाम। अभी नमस्ते सस्काल भी ना अकेले करने लगे हैं, इनको पता है मैं बोल नहीं रही हूँ ज्यादा, तो नमस्ते सस्काल भी अकेले कर दो। हम निकले मंडी से और हम जा रहे हैं कहाँ पे? जंजैली। जंजैली वैली पे जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेस्मराइजिंग वैली है। और ये हमें पता नहीं था इस वैली के बारे में, यहाँ के जो लोकल से उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको जाना है तो जंजैली रुक जाओ एक बार, क्या दुनिया को बोल जाओगे स्वर्ग से सुंदर है। इको विलेज बैला नई डेस्टिनेशन है और इसको हिमाचल प्रदेश की न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको बनाया भी जा रहा है। लोकल्स ने बहुत सजेस्ट किया है कि आप जाना तो जंजैली जरूर जाओ। वादियों को देखना पसंद करते हैं वो, देखो पहले ही ठंड लग गई इनको वैली में जाने से पहले। वो नहीं, स्वेटर निकालते हैं। समर वेकेशन आने वाली है, हॉलीडेज आने वाली है। अगर हॉलीडेज के अंदर आप घूमना चाहते हो तो आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो, या आप यूपी से आ रहे हो, बरेली से आ रहे हो, हैदराबाद से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक की बस चल रही है। दिल्ली कितने में चाहिए? सुबह पहुंचेगी जंजैली, चंडीगढ़ और हरिद्वार। आप कहीं से भी आ रहे हो, जम्मू कश्मीर से आ रहे हो, तो आपको एक बार जंजैली जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया है। और कितना सच्चाई है इसके अंदर ये आगे जाके दिखाएंगे। ये कि न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जरा अपना रास्ता चेक कर लूँ मैप के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता नहीं जंजैली वैली इस समय कहाँ है। और मुझे गन्ने का जूस भी पिला। अभी गन्ने का जूस बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, पिला देना। चाल चौक तक थोड़ी रोड जोन सी है, वो हल्की फुल्की खराबी है और उस पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, पर चाल चौक के आगे जो रोड है जंजैली की, बहुत अच्छी रोड है। सिंगल लेन है, कभी आपको नीचे उतारनी पड़ती है, ऑफ रोड करनी पड़ती है, कभी दूसरा करनी पड़ती है, पर चलता है काम अपना। गड्डी चल रही है सड़क को सड़क, साथ में चल रही है हिमाचली फोक सॉन्ग। हसीन वादियां हो, देवदार के और चीड़ के वृक्ष हो, खाली रोड हो, सोती हुई बीबी हो, फोक सॉन्ग्स हो, तो क्या बात है। प्रीति की नींद थी बिल्कुल खुल चुकी है समय, क्योंकि जो वैली आ गई ना यहाँ पे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो भाई थोड़ा रास्ते की जानकारी दे दूं, अगर आपको आना है जंजैली गांव या जंजैली वैली, तो आपको सुंदर नगर से आना होगा। सुंदर नगर से एक ही रास्ता निकलता है जो जंजैली निकलता है, या फिर मंडी से भी आ सकते हो। मंडी का रास्ता जो जाता है जंजैली, वो थोड़ा सा मैंने सुना है कि ख़राब है। सबने प्रेफर किया जो रास्ता सुंदर नगर से निकलता है, आपको वो रास्ता लेना चाहिए। तो गन्ने का जूस का ब्रेक हो गया हमारा, प्रीति के फिर गन्ने का जूस। ये जंजैली का रास्ता ये आता है? अच्छा, करसोग को भी जाता है? हाँ जी, चाल चौक से करसोग के लिए और इधर वहाँ से चाल चौक से कितने किलोमीटर करसोग? करसोग तो पता नहीं सर, 90 उधर से चाल चौक से शिमला। अच्छा, वहाँ से शिमला जाना तो वहीं से कटना पड़ेगा करसोग के लिए। और रोड ठीक है उधर की? दो ग्लास बना दो। तो मेरे दोस्तों, हम चैल चौक पे आ चुके हैं। चैल चौक पे एक बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे एक रास्ता जाएगा लेफ्ट में, वो जाता है पंडोर डैम की तरफ, एक जंजैली जाता है जो कि 56 किलोमीटर, जहाँ पे हमें जाना है। और एक बहुत ही यहाँ पे मान्यता है शिकारी माता टेंपल की, और उस टेंपल के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो आगे बताएंगे। राइट में जाएगा करसोग, ताता पानी जाएगा और शिमला भी जाएगा। तो शिमला वाले इधर जाओ, ते पंडोर वाले इधर जाओ, जंजैली वाले भी इधर जाओ। जय शिकारी माता। आज का सफर हमने करा है सुबह 10 बजे शुरुआत, yes, है ना? 10 o'clock अभी जरा ATM भी हो और देखते हैं कि कितने घंटे में पहुंचते हैं। नोट पाजी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। पीछे शिव स्थली थी चमोली नाला की, और सामने इतने हसीन देवदार के वृक्ष है भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे हैरी पॉटर की मूवी चल रही हो। दिखाओ जंजैली 32 किलोमीटर जी, यहाँ से शिकारी माता टेंपल 48 किलोमीटर से, और छतरी है 54 किलोमीटर, हिमाचल टूरिज्म लिखा हुआ ऊपर। तो हिमाचल जो टूरिज्म है, ये जो डेस्टिनेशन है जंजैली की,
इसको स्पेशली प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे, जो शिकारी माता जो सिंह है उनके नाम पे है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है नीचे। और ये जो यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे लेपर्ड है यहाँ पे, वाइल्ड कैट है, रेड फॉक्स है। तो ये जो सी रोड है जा रही सीधा जंजेली और शिकारी माता टेम्पल। और शिकारी माता जो टेम्पल है उसकी खासियत क्या है, खासियत है कि ये एक ऐसा अनोखा और अकेला टेम्पल है इंडिया के अंदर जिसमें छत नहीं है। ये बिना छत का मंदिर है। उसकी कहानी क्या है, क्यों छत नहीं है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है शिकारी माता मंदिर पे, तो जो स्नो होती है वो चारों तरफ गिरती है, मंदिर में नहीं गिरेगी। ये कैसे होता है ये आगे जाके देखेंगे। जय माता दी। बहुत ही सुंदर मंदिर है भाई, देखो सामने संतरी रंग में, वो देखो नीचे चट्टान है उसके मंदिर की। अरे वाह, और ऊपर मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मैंने सुना सेब की फार्मिंग बहुत होती है। अब ये नहीं पता किस वैरायटी का सेब है। जंजेरी का रास्ता यही है, जंजेरी जंजेरी क्या बोलते हो आप उसको, जंजेरी की जंजेरी जंजाड़ी। थैंक यू। ओ भाई, ओ भाई, ओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बैक साइड। योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। सो भाई अभी कहते बक्सियाड़ बोलते हिंदी में, और अगर इसको हम इंग्लिश में प्रनाउंस करेंगे तो बोलेंगे बैक साइड। हो गया। ये जंजेली टाउन है, हम मेन मार्केट क्रॉस करके आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें रश ज़्यादा लग रहा है। और आपको पता हम तो मिशन नेचर ढूंढते हैं और नेचर के पास रहते हैं। कितने बजे पहुँचेगी वापस? वापस यहाँ आ गई हूँ दिल्ली। यहाँ से दिल्ली कितने पहुँचेगी? सुबह पहुँचेगी 5:30। 5:30 बजे आई एस बी टी चलेगी बस अड्डा से। थैंक यू। अच्छा ठीक है ठीक है। तो जंजेली से जो बस चली है वो चली है 2:45 बजे, और लव बता रहे हैं कि 5:30 बजे ड्राइवर बता रहे हैं कि दिल्ली तक पहुंच जाएगी। तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक की बस चल रही है। ये जा रही है हरिद्वार, जंजेली चंडीगढ़ और हरिद्वार, शिमला इधर जा रहा है, और हमें जा रहा है शिकारी देवी टेम्पल। गाँव तो सुंदर है, अरे ये भी पूरे सेब के बाग है चारों तरफ, और घर भी सुंदर है। ऐसा करते हैं ना, दोपहर तो हो ही गई है, पहले कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, वहां जाके भी एकदम बनवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे आपको पता रेस्ट हाउस में कुछ बनता तो है नहीं एट अ टाइम। क्या खाएंगे बता? ये है पुल, गाड़ी कैसे निकलेगी? पुल क्रॉस होगा, पुल पक्का। उधर देख, उधर देख, चलो ऑफ रोड रास्ता ही देख के पत्थर जाएगी है? क्या तो रहा, जाएगी बड़े आराम से मुझे लगता। देख उधर की जरा, मैं सामने जाती हूँ, सामने से देखती हूँ। ये कह रहे हैं गांव के लोग यहाँ के गाड़ी जाएगी, पर हमें लग रहा है शायद मुश्किल है, तो मैं चेक करती हूँ। अब आप आओ, मैं देखती हूँ। आन दो सीधी, थोड़ा इधर, हाँ आप सीधा कर लो, सीधा आन दो, आ दो, सही एडवेंचर हो गया। इधर ले लो, इधर, हाँ काट लो,
काट लो ध्यान से, थोड़ा इधर रखो मेरी तरफ, मेरी तरफ, उधर उधर गड्ढा है थोड़ा। आगे करो आगे। ओए मैं भी कैसे चढ़ू, इतनी जगह भी नहीं है पैर रखने की। इको विलेज बैला, बड़ा ही भयंकर हाल था भाई यहाँ तो। और आगे देखो फिर गाय आ रही है। देख क्या ना रास्ता, सही में एक गाड़ी निकल सकती है, इतना रास्ता है, बस इतना ही रास्ता है ये। और वो किनारे किनारे एक बंदा भी नहीं खड़ा हो सकता साइड में। आज तो हो गया सही एडवेंचर। ओ भाई ओ, चढ़ा दो पहली गियर पे। ये भी होमस्टे है। पीडब्ल्यूडी भी पहुंच गए फाइनली वन विभाग। सही में यार नजारे आ गए सीधी पूरी पूरी रोड है, कैसे काटी है इनक्लाइन। आओ अभी अपना पपलू हो गया भाई। आए तो थे रेस्ट हाउस में रुकने के लिए, जनरली ये होता है कि कोई ना कोई केयर टेकर तो जरूर होता है। और अब हमें वापसी करनी पड़ रही है रेस्ट हाउस से वापस इको विलेज से, लेकिन रास्ता वही है बहुत डेंजरस वाला। और लव थोड़े से स्ट्रेस में हो गए हैं क्योंकि ना तो खाना खा रखा है कई घंटे से, ना ही कुछ रहने को मिल रहा है, और ऊपर से एडिटिंग भी लेट हो रही है आज की। सारा दिन निकल गया आज मैं ट्रैवलिंग में ही। यही होता है ट्रैवलिंग में यार, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी अनुभव होती हैं और कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। चारों तरफ जाम है यहाँ पे, निकलेगी कैसे? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। साइड में देख, चलो यार नहीं निकलेगी ना, नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी ये। जबरदस्ती गाड़ी थोड़ा ठोकनी है भाई, बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। कोई मैनेजमेंट नहीं है, छोटी सी रोड है, इसी रोड पे सारा ट्रैफिक धूल मिट्टी और ओवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रखी है। और जब से हम आए यहाँ पे खाने के लिए, मतलब एक प्रॉपर साफ सुथरा यहाँ पे कोई ढाबा भी नहीं मिला हमें। बट जितने लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था जिंजियाली जाने के लिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मेरे को। यहाँ जो रोड्स हैं एकदम बहुत ही नैरो हैं जो टाउन में से निकलती हैं, और इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है और इतने यहाँ पे डंपर्स ट्रक्स बसेस इतने ज्यादा हैं। ये भी धूल मिट्टी वाला था। चारों तरफ जो खांसी आ रही धूल से, हालांकि चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, बट जिस तरीके से टाउन की डेवलपमेंट हुई है वो उसका मुझे लगता है। देखो आगे मिट्टी देखो कितनी उड़ रही है, ये देखो हाल, आगे देखो, ये देखो मैनेज नहीं है ना कोई भी चीज, कोई रोड नहीं बना हुआ कहीं पे भी। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप कहीं जाते हो तो आप सोचते हो कि यार एक कंफर्टेबल स्टे होना चाहिए। यहाँ पे इतने हमने होम स्टे ट्राई कर लिए, 80% तो ऑपरेशनली नहीं है क्योंकि टूरिस्ट सीजन नहीं है, और जो है भी उसमें वो मतलब क्वालिटी ऑफ बेडिंग और क्वालिटी ऑफ मतलब सर्विस या कह सकते हो कि उनकी जो रेट्स हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं हमें पता है कि वैल्यू फॉर मनी क्या होती है। 36 बार जाम लग चुका अभी तक, हम 4 चक्कर लगा चुके हैं इधर से उधर, उधर से इधर, नहीं ये 5वां चक्कर है हमारा। अभी अब हम खाने के लिए जहाँ भी रुके इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इतनी सुंदर जगह के ऊपर की, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है उस चीज को देख के। ये खाना अभी तक हमने खाना नहीं खाया और शाम के 4:30 बज चुके हैं। हाँ आप आना चाहते हो आओ, शिकारी देवी माता का टेम्पल जहाँ पे हम जा रहे हैं मत्था टेकने। एप्पल सीजन होता है तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे एप्पल्स लगते हैं, एप्पल वैली है तो यहाँ से एप्पल काफी जाता है बाहर। यहाँ पे भी हमने पता किया था ये भी बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है, ये किराए पे देने के लिए बना रखे थे मकान। हाँ वो मंथली रेंट है, ओयो अमाउंट भी है इसको पता करें, ओयो का है, ओयो के तो ठीक हो सकते हैं पता कर लो। ओयो का होम स्टे भी चेक किया मैंने, ₹1000 बता रहे थे रूम का, पर रूम बहुत ही कॉम्पैक्ट था और हाइजीन तकिए वगैरह गंदे थे।
ना रहने के लिए, रहने जगह के कोई व्यवस्था नहीं है। टूरिज्म के लिए कहा जा रहा है कि भैया इसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको डेवलप किया जा रहा है, और जितने ब्लॉग्स लोगों ने, 2-3 ब्लॉग्स हैं यहाँ के बनाए हुए हैं, उसमें सब लोगों ने वही चीज दिखाई है कि भैया जहाँ से आपको अच्छा लगे। ये बंद पड़ा, कोई बंदा नहीं दिख रहा, सारे होमस्टे बंद पड़े हैं, कोई बंदा नहीं, बंदे की जात बोर्ड लगे हुए हैं छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगह पे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लग रहा, कोई एक्टिव है घर में है कोई नहीं है, और जो होते हैं वो साफ सुथरे नहीं दिख रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऊपर क्या कह रहे हैं ना। तो फाइनली एक और होटल ट्राई कर रहे हैं जो लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद सीधा अगर नहीं होता तो सीधा जाएंगे ऊपर शिकारी माता, फिर वापस आ जाएंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली एक अच्छी अकोमोडेशन मिल गई है, और व्यू तो यहाँ से वाकई मेसमराइजिंग है, और ये जो शहर की वॉश पॉश है जो पीछे हम छोड़ के आए हैं उससे भी दूर है। तो फिलहाल हमारा जो रूम है ऊपर है, अभी प्रीति को बताते हैं एंड व्हाट शी थिंक्स। लोकेशन वाइज जो हमारी चिंचारी वैली है उसकी जो मार्केट खत्म होती है उससे लगभग 2 या 3 किलोमीटर आप आगे आएंगे, आपके लेफ्ट साइड पड़ेगा, और अगर आप आ रहे हैं माता के दर्शन करके फिर आपको राइट साइड पड़ेगा। तो लो भाई, रूम तो हमारे को मिल गया अपना, और रूम बहुत अच्छा है, स्पेशली इस रूम का लगा ये ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है, और देख रहे हो कितना सुंदर प्रिंट है, और बेड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे पूरा वुडन वर्क है, ये टॉयलेट है, टॉयलेट देखो कितना बड़ा है, वेंटिलेशन है पूरी, गीजर है, और नीट एंड क्लीन बाथरूम है, सारी चीजें मतलब एक नंबर की है। अलमारी देखो, हमने अपने लगेज बैग वैग सब इसी में रख दिए, सारी चीजें दी हुई है एक रूम के अंदर, और बहुत स्पेशियस है। सामने विंडो है और व्यू बहुत जबरदस्त है सामने विंडो का, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, और क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, यहाँ से विंडो है, यहाँ पे आपका ये केटल वगैरह भी रखी हुई है, और अभी हमने ताजी अभी मैगी बनवाई है, क्योंकि आपको जैसे बताया था शाम हो गई है, 5 बज चुकी है, हमने खाना नहीं खाया आज, तो हमने कहा झटपट वाली मैगी खा लेते हैं, मसाला मैगी आई है, और ये भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे देखने में। और यहाँ से है बालकनी का व्यू, सामने का ये वाला व्यू बहुत अच्छा है, इधर वाला सेट हो जाएगा थोड़ी देर में, और यहाँ से इनकी एंट्रेंस है, और ये है पार्किंग, खेती हो रखी है आलू की, सेब की, कैसी मस्त चीज है, मतलब हेल्दी है, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं।